नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी व यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, आज का दिन है 13 फरवरी 2022 का और मैं आपको लहसुन के आवकों की स्थिति आज की बता रहा हूं। उटी लहसुन में किस प्रकार की आवक आज हमें देखने को मिली है। शनिवार और रविवार दो दिन का अवकाश था, जिसके तहत हमें आवकी जो स्थिति हमें देखने को मिली है आज की। ये जो लहसुन की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिकने के लिए आई है 14 फरवरी 2022 सोमवार के दिन यह लहसुन बिकेगी। और जिस प्रकार की स्थिति अभी की स्थिति में बन रही, तो पूरा वीडियो आप सभी किसान भाई जरूर देखिएगा। मेरी सेवा और मेरी जानकारी अगर आप सभी किसान भाइयों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने संबंधी और साथी किसान भाई तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी किसान भाइयों को ऐसे ही रोजाना की अपडेट मिलती रहे। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्द से जल्द सारी जानकारी देख पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि मंडी में चारों तरफ, फील्ड के चारों तरफ चुना लाइन बनी गई है, तो जिसके बाहर या जिसके आउटसाइड में आप कोई भी कृषक बंधु अपने लहसुन खाली ना कीजिएगा, जिससे कि आपको नीलामी कार्य में असुविधा उत्पन्न हो। चलिए दोस्तों, आप सभी के बीच में शुरुआत करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर सेकंड की ओर की क्या स्थिति हमें देखने को मिली फर्स्ट सेकंड सभी की तरफ, और न कि पुराने लहसुन के आवकों की स्थिति भी आप सभी किसान भाइयों को इसी वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आप सभी किसान भाइयों को सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट की ओर की उसमें क्या स्थिति हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, दो दिन का अवकाश था शनिवार और आज रविवार का, तो आज के तहत कितनी आवके मंडी के अंदर आ चुकी है दोस्तों, तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं प्रदान करूंगा। सभी साइड में आपको यहाँ की ओर से ले चलूंगा कितनी आवक आज के अंदर, और अगर आप सभी किसान भाई अगर अब मंडी के लिए निकलते हैं तो क्या स्थिति मंडी की अभी की स्थिति में बन रही है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज से आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो भागते हैं 80 किलोमीटर की स्पीड तक, और रेंज इसकी जो आपको मिलेगी 80 से 60 से लेकर 250 किलोमीटर तक की रेंज के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध हैं और बाइक भी। और पाटीदार ऑटोमोबाइल पर अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो पाटीदार ऑटोमोबाइल पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। स्मृति बैंक के सामने मऊ नीमच रोड दलोदा, मोबाइल नंबर है 8305249687। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप परचेस करने का सोच रहे हैं, 15 फरवरी से शुभारंभ है इसका, तो आप इसमें आज परचेस करना चाहते हैं तो पाटीदार ऑटोमोबाइल को एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। मैं लेकर आ गई हूँ दोस्तों आपको इसी की साइड के नीचे की ओर, प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट के नीचे की ओर जो फील्ड साइड में बना है उसी के नीचे की ओर की स्थिति है, जो आप सभी किसान भाई देख पा रहे होंगे। डेरिया कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, काफ़ी बड़े लॉट मंडी के अंदर हमें देखने को मिले हैं और क्वालिटियाँ भी काफ़ी ज़बरदस्त मंडी के अंदर देखने को मिल रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, निवेदन करूँगा आप सभी किसान भाइयों के कि इस प्रकार से अगर आपके पास में लहसुन अभी पूरी तरह से पककर तैयार नहीं है दोस्तों, तो निवेदन रहेगा कि आप वेट कीजिए, और अगर पककर तैयार है तो आप अपना निर्णय खुद लीजिएगा। ये जो अभी की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा यहाँ की स्थिति के माध्यम से कि ये जो चूना लाइन बनाई गई है मंडी के अंतर्गत, आप देख पा रहे हैं मंडी के चारों तरफ इस प्रकार की चूना लाइन बनाई गई है दोस्तों। इससे आउटसाइड में आप अपनी लहसुन खाली ना करें दोस्तों, ये आप मेरा निवेदन रहेगा। ये भी आउटसाइड में दोस्तों जो आपको देखने को मिल जाएगी इस प्रकार से, ये आउटसाइड में आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि इस चूना लाइन से आउट अभी भी किसान भाइयों ने खाली कर रखी है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इससे आउटसाइड में आप अपना कोई भी लहसुन खाली ना करें। ये इधर भी जो हमें स्पेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, इक्का दुक्का बोरी का भी स्पेस नहीं है। फील्ड साइड में आप वहां तक देख पा रहे हो, और ये फील्ड साइड में आपको पूरी तरह से लेकर आया हूँ इसकी स्थिति में। इधर जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है, इधर तो इक्का दुक्का भी बोरी का भी स्पेस हमें खाली देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर एक और साइड में, जिसकी फील्ड की ओर क्या स्थिति आज की बनती हुई हमें देखने को मिली है दोस्तों। इसका नीलामी कार्य होगा दोस्तों सोमवार के दिन, यानी कि 14 फरवरी 2022 को इसका नीलामी कार्य शुरू होगा। इस प्रकार की आपके जो अभी की स्थिति देखने को मिली है, और आगे की ओर ले चलता हूं दोस्तों मैं आप सभी किसान भाइयों को, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और दोस्तों, निवेदन करूंगा कि मंडी में चारों तरफ जिस भी फील्ड साइड में है, सभी साइड में चूना लाइन बनाई गई है, तो इससे आउट साइड में आज अपना कोई भी लहसुन खाली ना करें दोस्तों, जिससे कि आपको नीलामी कार्य में असुविधा हो। एक और फील्ड साइड की ओर मैं आपको ले चलता हूँ, जिसमें क्या स्थिति अभी की स्थिति में बन रही है। ये फील्ड साइड की इस प्रकार की स्थिति जो हमें देखने को मिली है,
टंकी के सामने जो रास्ता बना है ये भी पूरी तरह से फुल हो चुका है, जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। और इसके सामने जो फील्ड साइड है वो भी लगभग पूरी तरह से फुल हो चुकी है दोस्तों। और साथ में इसी के साथ में जो आपको देखने को मिलेगा, इसी के सामने दोस्तों एक और रास्ता बना है जिसकी स्थिति भी हमें किस प्रकार से देखने को मिली है। तो दोस्तों ये भी पूरी तरह से फुल हो चुका है, लेकिन इसमें मैं आपको ले चलूंगा इसमें किस प्रकार की स्थिति अभी की स्थिति में हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। तो इसकी ओर हम चलेंगे और क्या इसका पूरा नजारा हमें देखने को मिलेगा, किस तरह खाली स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस चुना लाइन का आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, इससे आउटसाइड में आप अपनी लहसुन खाली ना कीजिए। इसकी ओर भी हम आपको ले चलेंगे, इसमें क्या स्थिति हमें देखने को मिल रही है अभी की। ये यहाँ पे जरूर हमें स्पेस हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, डेरिया भी इधर बनाई गई है और लोड भी छोटे नहीं है, काफी बड़े लोड है, क्वालिटी भी जबरदस्त हमें देखने को मिल रही है। इस प्रकार की स्थिति जो मैं आप सभी किसान भाइयों को यहाँ की बता रहा हूँ। और दोस्तों आप देख पाएंगे अभी इस साइड में लहसुन खाली हो रही है, जो आपको देखने को मिल जाएगी इस स्थिति के माध्यम से जो मैं आप सभी किसान भाइयों को बता रहा हूँ दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों यहाँ पे एंडिंग टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड स्थिति में यहाँ पर भी चूना लाइन बनाई गई दोस्तों। इससे आउटसाइड में आप सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि इससे आउटसाइड में चूना लाइन से बाहर आप कोई भी लहसुन खाली ना कीजिएगा, आपको नीलामी कार्य के लिए असुविधा हो सकती है दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ की स्थिति अभी की स्थिति में बता रहा हूँ। बाकी मैं अभी तक जिधर भी आपको लेके आया सिर्फ इधर ही मुझे खाली जगह और स्पेस देखने को मिला है, बाकी किसी भी तरफ स्पेस नहीं है दोस्तों। बल्कि यहाँ पर भी किसान भाई अभी भी अपनी लहसुन खाली कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप सभी किसान भाई देख पा रहे हैं इधर भी स्पेस नामुमकिन है दोस्तों। लेकिन मंडी के गेट अभी की स्थिति में तो मुझे जब तक स्थिति मिली है तो अभी तक नहीं लगे, लेकिन कुछ टाइम में लगने की संभावना है। ये देखिएगा चूना लाइन इसके जस्ट पीछे ही है जो आपको देखने को मिल रही होगी, बाकी दोस्तों इसमें भी ज्यादा स्पेस नहीं बचा है। ध्यान दें, मैंने जो स्थिति आपको बताई है ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं 4 बजे तक की स्थिति आप सभी किसान भाइयों को मैंने बताई है, लेकिन मंडी के गेट अभी नहीं लगे हैं दोस्तों। लेकिन कब लगे इसका कोई अंदाजा नहीं है, मैं आपको मंडी से लाइव जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन जिस टाइम पे स्पेस भी खाली जगह जिधर हमें देखने को मिली थी उसकी भी स्थिति मैंने आप सभी किसान भाइयों को बताई है, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको 4 बजे तक की स्थिति बता रहा हूँ, अभी की स्थिति में तो मंडी के गेट नहीं लगे हैं, लेकिन आगे कुछ टाइम में लगने की संभावना है, जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आवकों के ऊपर निर्भर करेगा कितनी आवकें मंडी में आ सकती हैं। अभी की स्थिति में जो आवक हमें देखने को मिली है लगभग परसों जो आवक थी शुक्रवार के दिन वैसी समान आवक हमें देखने को मिली है, लगभग अनुमानित आवक 8 से 9 हजार कट्टों की आवक अभी के स्थिति में हमें देखने को मिल चुकी है दोस्तों, जो मैं आप सभी किसान भाइयों को बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि गेट अभी बंद नहीं है, लेकिन आप कभी भी बंद हो सकते हैं, या तो आधा घंटा में भी हो सकते हैं, घंटा भर में भी हो सकते हैं, या शाम तक भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी की स्थिति में नहीं लगे, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। ये जो जानकारी आपको देखने को मिल रही है दोपहर के 4 बजे तक की स्थिति आप सभी किसान भाइयों को देखने को मिल जाएगी। मेरी जानकारी सेवा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 8 हजार कट्टों की आवक, 8 से 9 हजार कट्टों की आवक अभी की स्थिति में हमें देखने को मिली है।